अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल आप सबके? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मालूमात देने वाले हैं, यकीनन आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह ताला की कुदरत है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे मामलात हैं, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जी हाँ नाज़रीन, कहते हैं कि ज़मीन पर चलने वाले जानवर को दाबा, यानी हैवानात जो ज़मीन पर चलते हैं, इनको अरबी में दाबा कहते हैं। नाज़रीन, बाज़ हज़रात ने परिंदों को लफ्ज़ दाबा की शमूलियत से खारिज कर दिया, और इस खुरूज की तायद में कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई जानवर ज़मीन पर चलने वाला और कोई परिंदा अपने परों से उड़ने वाला नहीं है जिसकी तुम जैसी जमातें ना हों। लेकिन इस मिसाल की तरदीद कुरान पाक की इस दूसरी आयत में है, और ज़मीन पर कोई ऐसा दाबा नहीं है जिसका रिज्क अल्लाह ताला के ज़िम्मा ना हो, और जिसके मुतालिक हो ना जानता हो वो कहाँ रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ साफ साफ बताया गया। चूँकि अल्लाह ताला परिंदे के रिज्क का भी कफील है, इसलिए वो भी दाबा के उमूम में आ गए। जी हाँ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला के करिश्मा एक ऐसी मछली जो कि उड़ने वाली है। नाज़रीन, आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक ऐसी मछली जो कि उड़ती है, उस बारे में आपको बताएंगे कि ये कौन सी मछली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन नाज़रीन, याद रखिए कि ये 21वीं सदी है, ऐसी सदी जिसमें हम चाहकर भी साइंस के वजूद से इनकार नहीं कर सकते। अगर हम अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा भी गौर करें तो ये हकीकत उभर कर हमारे सामने आती है। हम लोग साइंस के मोहताज होकर रह गए हैं। साइंस के बिना पर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। अब तो साइंस के बिना जीने का तसव्वुर तक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत साइंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक अलहदा टॉपिक है। तो ये साइंस ही तो है जिसकी बिना पर हम रोज़ ब रोज़ बेहतर से बेहतरीन की जानब गामजन हो रहे हैं। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो सब के सब जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही अपनी एक अलहदा पहचान बनाए हुए हैं। जंग अजीम दोम को ही देख लें, हालांकि बाहर जापान जंग जीत चुका था, लेकिन सिर्फ साइंसी उलूम में थोड़ा सा पीछे होने की वजह से उसे शिकस्त हो गई। तो ये एक अलग टॉपिक मैं आपको बता रहा था, लेकिन हम आज के इस वीडियो में मछली के बारे में बताने वाले हैं कि एक ऐसी मछली जो कि उड़ती है, अरबी में उसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस बारे में आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये गरानाई के नाम से मशहूर ये मछली जो कि उड़ती है, तो इसको अरबी में खताफ के नाम से कहते हैं। समंदरी मछली इसे कहते हैं। समंदर की मछली जिसकी पुश्त पर दो पार होते हैं जो काले रंग के होते हैं, लेकिन वीडियो में आपको सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे, और ये मछली पानी से निकल कर हवा में उड़ती है और फिर पानी में वापस आ जाती है। अबू हामिद अंदलुसी ने ये ऐसा ही लिखा है कि ये एक ऐसी मछली जो कि उड़ने वाली है। तो यकीन आप सुनकर चौंक गए होंगे कि एक ऐसी मछली जो कि समंदर में उड़ भी सकती है और समंदर के अंदर भी रह सकती है। ये नाज़रीन, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे करिश्मे हैं जो कि आपने सुने ही होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ी उनसे मुख्तलिफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।